हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कमिटमेंट के बारे में। सो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट कमिटमेंट। नहीं, ये कोई रिलेशनशिप वाले कमिटमेंट नहीं है, ये हमारी हमारे खुद के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, जो हम एक टारगेट डिसाइड करते हैं उसको डेडिकेशन से अचीव करें, उसके लिए हम कितने कमिटेड हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कमिटमेंट से रिलेटेड एक डायलॉग हम सभी ने सुन रखा है, बस ज़रूरत है उस डायलॉग को आत्मसात करने की। और वो डायलॉग आप सभी को याद आ भी गया होगा कि एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, राइट? तो वही चीज़ है, यदि हम किसी भी चीज़ को लेकर के कुछ कमिटमेंट रखते हैं खुद से कि भाई हाँ, मुझे ये, मान लो कोई एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई कोर्स है, कोई हॉबी है, इट मे बी एनीथिंग इन योर लाइफ, तो यदि आपने सोचा है कि हाँ ये चीज़ करनी है, तो आप उसके लिए कमिटेड रहो। कमिटमेंट जो है मेरे अकॉर्डिंग तीन चीज़ों से मिलके बनती है। ये तीन लेटर्स सभी ने सुन रखे होंगे कहीं ना कहीं, यदि आपने कोई पूजा पाठ कुछ चालीसा की हो या कहीं पर भी, तो ये तीन वर्ड्स हैं, मन, वाणी और कर्म। तो यदि कोई भी कमिटमेंट है जिसको आपने इन तीनों चीज़ों से उस कमिटमेंट को फिक्स किया है, मन से, मतलब आप कभी भी कोई कमिटमेंट दे रहे हो किसी को या खुद को, देखो यार, जितना हम दूसरे को कमिटमेंट देते हैं किसी भी चीज़ के लिए और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हाँ, हमने किसी को कमिट किया है किसी चीज़ के लिए तो वो काम हमें करना ही है, उतना ही खुद के लिए भी समझा करो। अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए इंसान को, अपने गोल्स के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हम कुछ गोल डिसाइड कर लें, उसके लिए 100% कमिटेड हों, तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो है मन, मतलब अगर हमने पूरे मन से अगर किसी चीज़ को डिसाइड किया है करने का, अचीव करने का, किसी भी काम को करने का, किसी दोस्ती को निभाने का या वॉट एवर इट मे बी, तो यदि पूरे मन से किया है तो हम तभी उसको अपना 100% दे पाएंगे। यदि हम मन में कुछ और सोच रहे हैं, यदि मुझे जाना है साइंस स्ट्रीम में, लेकिन मुझे अगर प्रेशर आ रहा है कि नहीं, आर्ट्स में अभी चले जाओ, MPPSC में या कहीं आप आगे इस तरफ जा पाओगे सिविल सर्विसेज में, जबकि मेरा मन साइंस के लिए है, तो अगर मैं ले भी लूँ आर्ट्स, तो मैं होल हार्टेडली उतना कमिटेड नहीं रह पाऊंगी अपनी चीज़ों के लिए। तो पहली चीज़, आप मन से जिस चीज़ के लिए अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो चीज़ की तरफ जाइए, ठीक? तो मन, दूसरा है वाणी, कि आप जो कह रहे हो वही करना है आपको। यदि आपने कहा है कि मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा या मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा, मैं पर्टिकुलर पोस्ट को अचीव करके बताऊंगा, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, वॉट एवर इट मे बी, तो यदि कहा है तो बॉस यार, अपने वर्ड्स हैं, अपन ही अगर उन वर्ड्स का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या कोई दूसरा करेगा? तो कमिटमेंट ही वो चीज़ है जो अपने प्रॉमिस को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करती है। तो सेकेंड थिंग हो गई हमारी मन के बाद वाणी, एंड थर्ड इज़ कर्म, दैट इज़ एक्शन। अब जो आपने चीज़ होल हार्टेडली पूरे मन से सोच लिए कि भाई ये करना है, वाणी से आपने कह के भी बता दिया। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते नहीं हैं कि हम ये चीज़ करने वाले हैं, लेकिन वो किसी को तो कहते हैं, हर किसी से ना कहें तो भी कोई स्पेशल होता है जिसको वो कह देते हैं। तो वहाँ पर आ गई आपकी वाणी, मन, वाणी एंड नाउ एक्शन। जब आपने बोल दिया है, डिसाइड कर लिया है इस डायरेक्शन में जाना है, तो अब बारी आ जाती है आपके एक्शन की। तो जब मन, वाणी और कर्म, ये तीनों चीज़ें हमारी किसी पर्टिकुलर जो अपनी कमिटमेंट थी उसके डायरेक्शन में लग जाती है 100% डेडिकेशन के साथ, तो बॉस कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है ऐसा। और कमिटमेंट के बिना हम किसी भी चीज़ में वो डेप्थ नहीं आती है, भले वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, हॉबी हो या आपका कुछ भी ड्रीम हो, यदि आप कमिटेड नहीं हो उस चीज़ के लिए तो फिर थोड़ी गड़बड़ है। तो कमिटमेंट करिए, वर्ड अच्छा है, सिर्फ दूसरे को देने के लिए नहीं है,
खुद के लिए भी है ना। सो कमिटमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट अकम्प्लिशमेंट्स। तो यदि आपने कमिटमेंट दी, उस पर स्टैंड किया, तो ये आप जो भी चीज़ है वो डेफिनेटली अकम्प्लिश होगी। और किस टाइप की चीज़ अकम्प्लिश होगी? ग्रेट थिंग्स, जो हो सकता है कि आपके नियर डियर वंस भी एक्सपेक्ट करने में थोड़ा सा सोच रहे हो कि यार पता नहीं ये बंदा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बंदी कर पाएगी या नहीं, वो भी आप अचीव कर लोगे। When confronted with a challenge, the committed heart, obviously, जब भी कोई challenge आता है तो जो committed person रहता है वो उसके solution ढूंढता है। लेकिन जो उस चीज़ के लिए committed ही नहीं है, कहा ना जिसका पूरा मन है ही नहीं भाई उसमें, वो इंसान तो उससे बचने की ही कोशिश करेगा ना। तो इसलिए ऐसी चीज़ की तरफ जाओ ही मत जहाँ पर commitment नहीं है, जहाँ आपका मन नहीं है। मन, वाणी और कर्म तीन में से एक भी चीज़ यदि imbalance हो रही है, दैट मीन्स आपका मन नहीं है वो चीज़ करने का, तो आप उसको करके टाइम वेस्ट मत करो। तो क्या करो? जो आपका मन है, जो आपका ड्रीम एक्चुअली है, उसकी तरफ अपने एफर्ट्स और इमोशंस लगाइए। मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड। मोटिवेशन हमें चीज़ों को स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन ये कमिटमेंट ही होती है जो हमको पर्टिकुलर उस चीज़ पे स्टैंड रहने की हिम्मत देती रहती कंटिन्यूसली। कई बार हम ये देखते हैं कि मान लो आज किसी ने कोई फॉर्म भरा एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एरा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे, वही लोग कनेक्टेड हैं मेरे व्यूअर्स जो अभी कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे, मे बी SI की या फिर बैंक से रिलेटेड कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो हम उसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यदि आपने किसी जॉब के लिए सोचा है कि हाँ मुझे इसकी पढ़ाई करनी है भैया, इसकी एग्ज़ाम आने वाली है और मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ, तैयारी शुरू कर दी, 10-15 दिन बाद लगा कि नहीं यार इसका सिलेबस जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है, नहीं मुझे याद नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है। कमिटमेंट यदि आपने दी है, या तो आप सबसे स्टार्टिंग में सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लो किसी भी चीज़ के, सबसे स्टार्टिंग में बेस्ट तरीका है। कोई एग्ज़ाम देनी है उसका सिलेबस उठा के देख लिया, ठीक है, या आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो उसके आपने सब देख लिया कि यदि मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, मतलब एक चेस का गेम जैसे हम खेलते हैं उस तरीके से सोच लो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम था, जो एफर्ट्स हैं, वो आप रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं लगाओगे, आप एक सही डायरेक्शन में लगा दोगे अपने एफर्ट्स। मान लो कोई साइंटिस्ट के एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, लेकिन वो अभी किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है होल हार्टेडली, नहीं लेकिन दूसरों की बातों में आके कि चल ठीक है यार, फैमिली प्रेशर है, घर के लोग चाहते हैं कि इस फील्ड में जाऊँ, तो चलो ठीक है, तो वो उतना नहीं दे पाएगा अपना 100% जितना कि वो उस साइंटिफिक में फील्ड में दे सकता था अपना, वो उतना नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट कीजिए और उसके बाद अपने आप की भी मत सुनो जब तक फाइनल डेस्टिनेशन अचीव ना हो जाए। सो मोटिवेशन इज़ द गुड थिंग विच मेक्स अस स्टार्ट थिंग्स, बट कमिटमेंट इज़ द ओनली थिंग जो हमें अपनी बातों पर अटल और अडिग रहने की हिम्मत देती है। और अपने वर्ड्स की हमें ही सबसे पहले वैल्यू करना है, तभी हम इन फ्यूचर वो पर्सन बनेंगे जिसके वर्ड्स की हर कोई रिस्पेक्ट करें। सो आई होप आप लोग भी एग्री करते होंगे इन चीज़ों से और कमिटमेंट को एक नए नज़रिए से देखा होगा। ये जो वर्ड है ये जनरली लोग कई बार रिलेशनशिप्स के बारे में ही सोचते हैं, तो हाँ यदि उसके बारे में भी सोच रहे हैं तो उसमें भी यदि कोई किसी को कमिटमेंट देता है तो उसको हर प्रकार से सोचने के बाद ही देना चाहिए। एंड यदि दे दी एक बार देन तो है ना। सो कमिटमेंट इज एन एक्ट नॉट अ वर्ड। तो कमिटमेंट कभी भी सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, ये एक्ट है, आपकी एक्शन है, जो आप करके बता रहे हो चीज़ों को उससे रियलाइज़ होता है सामने वाले को, या फिर जो आपको देख रहा है कि हाँ ये अपने ड्रीम्स की तरफ काम कर रहा है उसको, कि बंदा और बंदी एक्चुअली कमिटेड हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो।
आप अपने आइडियाज़ और व्यूज़ भी शेयर किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं कोई चीज़ आपसे कोरिलेट नहीं हो रही है, आप कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, देन ऑल्सो आप फील फ्री टू शेयर योर थाट्स इन द कमेंट सेक्शन, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।